हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पावर रिलायबिलिटी इंडिसेस की। दोस्तों, पावर फेल्योर्स तो आपने भी कभी ना कभी फेस किए होंगे। ये लो, ये तो हमारे वीडियो में ही लाइट चली गई। अब बैठे रहो अंधेरे में, लगता है बड़ा पावर आउटेज हुआ है, पूरे शहर की जो गई है। वेल, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके शहर में लाइट ज्यादा जाती है या मेरे शहर में, या फिर किसी भी और शहर से कंपेयर कर लीजिए, तो आप कैसे बताएंगे? ऑन एन एवरेज 24 घंटे में 1 घंटा या फिर हफ्ते में 3 घंटा एवरेज? पर क्या ये एक्यूरेट मेजरमेंट है? आज का हमारा यही टॉपिक है, पावर फेल्योर्स को मेजर कैसे करते हैं। तो चलिए वीडियो जल्दी से शुरू करते हैं। दोस्तों, पावर रिलायबिलिटी इंडिसेस को सीधे सीधे देखें तो इनको बोलते हैं। साधारण भाषा में जैसे हम एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम को समझते हैं, या फिर किसी भी वस्तु की स्पीड, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, वेट वगैरह से आसानी से उसके बारे में काफी आइडिया लगा सकते हैं, उसी तरह से इन पैरामीटर्स को देखकर किसी भी शहर की पावर सप्लाई कंडीशन को जज कर सकते हैं। इनको कैलकुलेट करने का एक स्टैंडर्ड मेथड है, पर उसके पहले हमको सभी इंटरप्शंस और पावर आउटेजेस को रिकॉर्ड करना होता है। वैसे तो दोस्तों और भी कई सारे इंडेक्सेस होते हैं, पर हमने यहाँ पर मुख्य रूप से यूज होने वाले इंडेक्सेस को ही कवर किया है। इनमें भी सैफी, सैडी और मैफी फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जनरली सभी स्टेट्स की इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के सप्लाई कोड्स के अनुसार डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसेस को सैफी, सैडी और मैफी को कैलकुलेट करना मैंडेटरी है। आप यहाँ पढ़ सकते हैं। ये क्या बकवास है? सीधे सीधे बताओ, इन्हें कैलकुलेट करने से मेरी लाइट आएगी कि नहीं? थोड़ा सब्र करो जानी, इन्हें कैलकुलेट करने से तुम्हारी लाइट तो नहीं आएगी गैंडा स्वामी, पर तुम्हें ये पता जरूर चल जाएगा कि तुम्हारे शहर में लाइट की स्थिति कैसी है और कहां कहां तुमको इम्प्रूव करना है। बाप रे, यहाँ तो जानवर भी लाइट से परेशान है। वेल, हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो दोस्तों, रिलायबिलिटी इंडिसेस को कैलकुलेट करने में सबसे बड़ा चैलेंज होता है प्रॉपर एंड होलिस्टिक डेटा मैनेजमेंट, यानी रिकॉर्ड कीपिंग। हर डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी कंपनी को उसके लाइसेंस एरिया में होने वाली हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी आउटेज को डिटेल में नोट करना पड़ता है। अब ये काम आप मैनुअल भी कर सकते हैं, पर आजकल के डिजिटल जमाने में ये काम सॉफ्टवेयर्स की मदद से ही किया जाता है। अब दोस्तों, रिकॉर्ड कीपिंग का प्रॉपर तरीका समझने से पहले समझते हैं कि पावर आउटेज कितने टाइप की होती है, या फिर यू कहे कि लाइट किस किस रीजन से जाती है। दोस्तों, आप अच्छी तरह जानते हैं कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में फॉल्ट होते रहते हैं टेम्पररी नेचर के, जैसे कि बर्ड शॉर्ट्स वगैरह। फॉल्ट होता है, लाइन ट्रिप होती है, 5 मिनट बाद ट्रायल ऑन करके चेक करें तो लाइन ऑन हो जाती है, इसे कहते हैं ट्रिपिंग। पर अगर फॉल्ट बड़ा है तो सस्टेन कर जाएगा, कुछ इस तरह का, तो ये हो जाएगा ब्रेकडाउन। अब ओवरहेड लाइन में मेंटेनेंस भी करनी पड़ती है ट्री ट्रिमिंग वगैरह के लिए, तो प्लांट वर्क के लिए भी पावर शटडाउन करनी पड़ती है, और कभी कभी इमरजेंसी सिचुएशन में भी सप्लाई ऑफ करनी पड़ती है, तो ये हो गया अनप्लान शटडाउन। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि रिकॉर्ड कीपिंग कैसे करते हैं। मान लीजिए कि एक कंपनी के पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में कोई लाइन है जिसका नाम XYZ है। 1 जनवरी को 8:15 पर यह लाइन ट्रिप होती है और 4 मिनट बाद 8:19 पर ट्रायल अटेम्प्ट में ऑन हो जाती है। इसको हम कुछ इस तरह रिकॉर्ड कर सकते हैं। मान लीजिए इस लाइन में 7500 कस्टमर्स कनेक्टेड हैं जिनकी लाइट चली जाती है। ये भी अज्यूम कर लेते हैं कि ये कंपनी शहर के 400,000 कस्टमर्स को बिजली सप्लाई करती है। अब मान लीजिए इसी दिन शाम को इस लाइन पर एक ब्रेकडाउन आ जाता है, तो उसकी भी एंट्री कर लेते हैं। इसी तरह से 7 जनवरी को एक प्लांट शटडाउन होता है जिसमें मेंटेनेंस टीम 5 घंटे जमकर काम करती है। 8 जनवरी को एक अनप्लांट शटडाउन की भी एंट्री कर लेते हैं। अब इसी तरह से जितने भी और दूसरे फीडर्स, इक्विपमेंट्स हैं, उन सब में जब जब आउटेज होता है तो हमें इसी तरह से रिकॉर्ड करते रहना होगा हर रोज। अब हम इन सभी एंट्रीज के लिए रिलायबिलिटी पैरामीटर्स को कैलकुलेट करेंगे, पर उससे पहले एक बार नजर मार लेते हैं इन सभी के फॉर्मूलों पर। पहला है मैफी, यानी मोमेंटरी एवरेज इंटरप्शन फ्रीक्वेंसी इंडेक्स। इसमें छोटी छोटी यानी 5-10 मिनट वाली इंटरप्शंस को काउंट में लिया जाता है, यानी वो इंटरप्शंस जिसमें सप्लाई गई और आ गई। इसमें हर इंटरप्शन में अफेक्टेड नंबर्स ऑफ कस्टमर्स को डिवाइड कर दिया जाता है टोटल कस्टमर बेस से, जिससे हमें मिल जाती है एक यूनिटलेस फिगर यूनिफॉर्म बेस पर। दूसरा है सैफी, फुल फॉर्म बोले तो सिस्टम एवरेज इंटरप्शन फ्रीक्वेंसी इंडेक्स।
इसमें 5-10 मिनट से ज्यादा वाले इंटरप्शन को काउंट में लेते हैं, फॉर्मूला मैफी वाला ही है। अभी तीसरा है कैफी, कस्टमर एवरेज इंटरप्शन फ्रीक्वेंसी इंडेक्स। दोस्तों सैफी के फॉर्मूले में अफेक्टेड कस्टमर्स को टोटल कस्टमर बेस पे एवरेज आउट कर दिया जाता है, जिससे ये पता नहीं चलता कि मल्टीपल इंटरप्शंस का क्या स्टेटस है। कैफी उन कस्टमर्स की एगोनी को हाईलाइट करता है जिन्होंने मल्टीपल इंटरप्शंस फेस की है। इसमें डिनोमिनेटर में टोटल कस्टमर्स की जगह केवल उन कस्टमर्स को बेस में रखते हैं जिन्होंने एक्चुअली इंटरप्शन फेस की है। फोर्थ है ASIFI, यानी एवरेज सर्विस इंटरप्शन फ्रीक्वेंसी इंडेक्स। इसको जनरली ST इंडस्ट्रियल कस्टमर्स के केस में यूज किया जाता है, यानी वो कंज्यूमर्स जिनका कनेक्टेड सैंक्शन लोड बहुत ज्यादा होता है, जैसे कि 400-500 केवीए या और भी ज्यादा। दूसरा, अगर फीडर्स पे जो रियल टाइम में कस्टमर्स कनेक्टेड हैं उनका प्रॉपर डेटा अवेलेबल नहीं है तो भी इसका यूज कर सकते हैं। दोस्तों अब आते हैं ड्यूरेशन इंडेक्सेस पे। SAIDI यानी सिस्टम एवरेज इंटरप्शन ड्यूरेशन इंडेक्स। सैफी को अगर सिंपली आउटेज ड्यूरेशन से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें SAIDI मिल जाती है, आप फॉर्मूले में चेक कर सकते हैं। और अगर SAIDI को सैफी से डिवाइड कर दें तो वो हो जाएगी CADI यानी कस्टमर एवरेज इंटरप्शन ड्यूरेशन इंडेक्स। नेक्स्ट है CTADI यानी कस्टमर टोटल एवरेज इंटरप्शन ड्यूरेशन इंडेक्स। दोस्तों जिस तरह से कैफी मल्टीपल इंटरप्शन फेस करने वाले कस्टमर्स का स्टेटस बताती है, उसी तरह से CTADI मल्टीपल इंटरप्शन के ड्यूरेशन का स्टेटस बताती है। अब लास्ट है ASIDI यानी एवरेज सर्विस इंटरप्शन ड्यूरेशन इंडेक्स। अगेन यहाँ भी ASIFI वाले फॉर्मूले को आउटेज ड्यूरेशन से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ASIDI मिल जाएगी। इन शॉर्ट बोले तो सारे F यानी फ्रीक्वेंसी वाले इंडेक्सेस हमें बताते हैं कि कितनी बार सप्लाई इंटरप्ट हुई है, इनकी यूनिट नंबर्स में होती है। और सभी D वाले यानी ड्यूरेशन वाले फॉर्मूले बता रहे हैं कि सप्लाई कितनी देर तक बंद हुई है, इन सभी की यूनिट आवर्स या फिर मिनट्स में होती है। तो चलिए दोस्तों अभी हमने जो पीछे एंट्रीज करी थी उनके लिए रिलायबिलिटी पैरामीटर्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। पहली एंट्री ट्रिपिंग वाली थी और 4 मिनट की थी, तो ये काउंट होगी मैफी में। अब फॉर्मूले में रखें तो 7500 कस्टमर्स इंटरप्ट हुए हैं और टोटल कस्टमर बेस 400,000 है, तो मैफी हो जाएगी 0.0188। अब इसी तरह से सैफी कैलकुलेट करें तो टेबल में देखिए बाद वाली 3 एंट्रीज सैफी में काउंट होंगी क्योंकि यहाँ सप्लाई 5 मिनट से ज्यादा इंटरप्ट हुई है। फॉर्मूले में रखें तो ये आएगी 0.056। अब SAIDI की बात करें तो यहाँ से आप आसानी से समझ सकते हैं कि सैफी को सिंपली उनके रेस्पेक्टिव ड्यूरेशन से मल्टीप्लाई कर दिया गया है और हमें मिल गई टोटल SAIDI यानी 0.146 आवर्स। इंडिविजुअली हर एंट्री की SAIDI आप टेबल में चेक कर सकते हैं। अब इसी तरह से पूरे नेटवर्क में होने वाली हर एक आउटेज को सिस्टमैटिकली ईयर ऑन ईयर रिकॉर्ड करते रहे तो हमें ये फिगर्स कुछ इस तरह दिख सकती हैं। मान लीजिए ये किसी शहर का डेटा है तो ये फिगर्स क्या कह रही हैं? पॉइंट वाइज समझे तो ये कुछ ऐसा है। इस कंपनी ने 2018-19 से 21-22 तक रिलायबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए जो भी एफर्ट्स किए हैं वो दिख रहे हैं। अब इसको एक्सप्लेन करें तो हम कह सकते हैं कि 2021-22 में इस शहर के किसी भी एक कंज्यूमर की ऑन एन एवरेज पावर सप्लाई एक साल में 25.22 आवर्स के लिए इंटरप्ट हुई है और 32.53 बार इंटरप्ट हुई है, जबकि 2018-19 में वही कंज्यूमर 101.45 घंटे के लिए इंटरप्ट हुआ था और 115.91 बार इंटरप्ट हुआ था। तो हुआ ना सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट। तो दोस्तों रिलायबिलिटी इंडेक्सेस कैलकुलेट करने से हमें कई फायदे होते हैं। नेटवर्क की परफॉर्मेंस पता चल जाती है, यूनिफॉर्म बेस पर हम शहरों की पावर सप्लाई कंडीशन को कंपेयर कर सकते हैं, कौन से फीडर्स पे काम करना है, नए फीडर्स कहाँ से निकालने हैं, नए सबस्टेशन कहाँ बनाने की जरूरत है, कौन से इक्विपमेंट को बदलने की जरूरत है और ऑटोमेशन कहाँ करना है, ये सब एनालाइज किया जा सकता है। बस पावर आउटेजेस का डेटा मेंटेन करना पड़ेगा और रिलायबिलिटी पैरामीटर्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा। दोस्तों अगर आप करंट ट्रांसफार्मर्स के बारे में या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यूज होने वाले फॉर्मूलाज के बारे में इसी तरह हंसते खेलते समझना चाहते हैं तो टाइम निकाल कर ये वीडियो जरूर देखिएगा। मेरा और मेरी टीम का ये एफर्ट अगर आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कुछ क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दें, मैं उनका जल्द से जल्द रिप्लाई करूंगा। जल्दी फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।